हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर को भी अभी सील नहीं किया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया है कि गुरुग्राम जिले की सीमाओं को सील नहीं किया गया है और जो गैर जरूरी मूवमेंट है वो हटाए जा रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाई जाएगी। देखिए, कोई भी अनरेगुलेटेड मूवमेंट नहीं अलाउड है और उसको डेफिनेटली इन्फोर्स करेंगे। किसी भी प्रकार से संक्रमण फैलने का अगर कहीं खतरा रहता है कोई क्रॉस मूवमेंट से, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मोस्टली अनरेगुलेटेड मूवमेंट को, और कर्टेल करेंगे। सर, जैसे अभी जैसे दिल्ली जैसे जो लोग जा रहे हैं, जो जो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोई जांच वांच की व्यवस्था भी या कैसे करेंगे? बिल्कुल, प्रयास यही रहता है कि हर प्रकार की स्क्रीनिंग रहे, मिनिमम ऐसा क्रॉस मूवमेंट रहे जितना हद तक पॉसिबल हो। अगर दिल्ली से कोई हमारे क्रॉस बॉर्डर करके मूवमेंट करके यहाँ पे कर्मचारी आ रहे हैं, तो प्रयास यही रहना चाहिए कि इन सीटू उनके लिए फैसिलिटी दी जाए, यहीं पे काम करें, अपने यहीं रुकें। इससे किसी भी प्रकार से संक्रमण फैलने का खतरा कोई क्रॉस मूवमेंट से अवॉइड होता है।